थैंक यू डियर. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ. अल्लाह तबारा पताला सीज आई हैव नॉट क्रिएटेड मैन एक्सेप्ट दे शुड सर्व मी. कुरान 5:1-5:6. दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर हियर आफ्टर एंड इंटरनल होम दैट विल नॉट बी गोइंग टू एंड व्हिच ऑल ह्यूमन बीइंग्स अल्टीमेटली गो. मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल. मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल. बेनमाजी भी था और बेगुनाह भी. सो अवर थर्ड पार्टिसिपेंट इज इकरा अली. प्लीज कम अप ऑन द डाइस एंड अवेयर विथ योर थॉट्स अबाउट ओबीडियंस ऑफ पेरेंट्स. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazeena astafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Muhtaram ul muqam wajibul ehtiram principal sahib aur deegar asatza sahiban, mere pyare hum maktab sathiyo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj jo mera mauzu hai woh hai walidain ka rutba. वक्त के चंद साथों में वालदीन का रुतबा क्या बयान करो कि वालदीन का रुतबा उस दौर यतीम हजरत अब्दुल्ला के जमाल और बीबी आमना के लाल से पूछे जो फरमाता है उम्मुका 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 सुम्मा अबीका. यही वजह है कि खुदा वहदहु ला शरीका ने दुनिया की अजीम तरीन किताब में वकजारा पुकारा था अब्दुल्लाहु वालदीन ने ऐसा ना कहकर वालदीन का मर्तबा बता दिया कि जिसने वालदीन को राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया. जिंदगी की कठिन राहों पर मौजूदों की बरसात तब हुआ करती है जब वालदीन का मर्तबा जानते हुए अवलाद ने उनकी खिदमत की तस्बीह पढ़ी हो. क्योंकि जिंदगी फलक है वालदीन सितारा है. जिंदगी तायर है वालदीन परवाज है. जिंदगी गीत है वालदीन आवाज है. जिंदगी बहर है वालदीन किनारा है. मगर सामीन जब जिद्दत के पुजारी की जन्नतें सड़कों पर और इन्हें जन्नतों के दरवाजे और देशों में मिलने लगे तो ये फिजा पुकार उठी खुदारा कदर कीजिए इन हाथों की जिन्होंने तुम्हारे बुनियादे मजबूत करते करते अपना शबाब तुम्हारे शबाब पर कुर्बान कर दिया. कि कौन कहता है कि जिंदगी शबाब है. मैं तो कहती हूँ कि हर घर की खुशी माँ बाप है. बेच कर माँ बाप को घर से अंधेरा मत करो. ये हकीकत है कि घर की रोशनी माँ बाप है. माँ बाप पर जिन्होंने कर दिया सब कुछ फिदा अब तो समझो दोस्तों कितने सखी माँ बाप है. खुल्द में वो शक्ल जा ही नहीं सकता कभी जिसकी नजरों में हमेशा अजनबी माँ बाप है. अजीज सामिन वालिदैन से मोहब्बत कीजिए और इसको अपने बाईस सआदत अजर व आखिरत समझे. हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब एक औलाद अपने माँ बाप की तरह मोहब्बत भरी एक नज़र डाले इसके बदले खुदा इसको एक हज मकबूल का सवाब बख्शता है. लोगों ने पूछा ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई एक दिन में 100 बार इसी तरह रहमत व मोहब्बत की नज़र डाले. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ अगर कोई 100 बार ऐसा करे तब भी खुदा तुम्हारे तसव्वुर से बड़ा और बिल्कुल पाक है. माँ बाप की दिल व जान से इताअत कीजिए. अगर वो कुछ जाती भी कर रहे हो तब भी खुश दिली से इताअत कीजिए और इनके अजीम एहसानात को पेश नज़र रखकर इनके वो मुतालबे भी खुशी खुशी पूरे कीजिए. अजीज सामिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में हमेशा दो लोगों का ख्याल रखना. एक वो जो तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार गया यानी तुम्हारा बाप और दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए यानी तुम्हारी माँ. इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब फरमाया ये कामयाबियाँ ये इज्जत ये नाम तुमसे हैं. खुदा ने जो भी दिया मकाम तुमसे है. तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब. मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है. कहाँ बसा जहाँ और मैं कमसिन बना दा ए मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है. आके पर मैं अपने रब से ही दुआ करते कि ए अल्लाह हमारे वालदीन को सलामत रखना. आमीन वाखरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.